हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आ रखा था भाई अपना यहाँ श्री बालाजी कार पे, और मैंने यहाँ पर अभी जो जो काम किया है ना, वो भाई मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, और जो जो काम भी करवाया और क्या इसका अमाउंट है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। और अगर आप में से कोई भी आना चाह रहा है तो भाई ईजिली यहाँ पर आ सकता है, और एड्रेस मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ। रीजनेबल रेट हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप मार्केट में ट्राई करके भी आओगे तो भाई मैंने यहाँ पर काम किया, मतलब जेन्युइन काम हुआ है भाई, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ गाड़ी का, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो भाई सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, अब गाड़ी के अंदर क्या क्या हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अट्रैक्टिव हैं, गाड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई गाड़ी की चाबी के बारे में, तो चाबी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। इसमें आपको जो है भाई गाड़ी की चाबी, और बाकी ये अपना गियर लॉक का सिस्टम है, और ये जो है अपना RD का सेंटर लॉक है। तो भाई इसी से लॉक और अनलॉक होती है गाड़ी। ठीक है, और बाकी यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो, जो आपकी अगर साउंड नहीं चाहिए तो लॉक अनलॉक वाली। फॉग लैंप भाई इसके पता करे थे, अभी आए नहीं है मार्केट में, तो मैं इसको आने वाले टाइम में और आने वाली वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा। अभी स्टार्ट करें तो भाई सबसे पहले ये RD की भाई ये सेंटर लॉक लगी है इसके अंदर, और मैंने गियर लॉक भी लगवाया हुआ है, मैं अभी दिखा दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर से कुछ ऐसा है भाई, ये साइड मिरर मेरे को मारुति से ही लेने हैं, ओरिजिनल लोकल मतलब यहाँ मिल रहे हैं, तो मेरे को थोड़े ठीक से नहीं लग रहे। ओरिजिनल ही लगवाओ भाई, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा। अब यहाँ पर साइड से बात करें तो भाई साइड में अपना अल्टो A800 आपको बैजिंग मिल जाएगी। ये साइड गार्निश यहाँ पर लगवाई है मैंने, और भाई ये आई पॉप के मैंने ये लगवा रखे हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर अपना सनवाइजर्स हैं, यहाँ पर 4 अल्टो लिखा हुआ मिलेगा। इसकी भी क्वालिटी बेस्ट है भाई, अच्छी पेस्टिंग हो रखी है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको साइड एंटीना मिल जाएगा देखने को, ये भी मैंने यहीं पर लगवाया है, सारा काम यहीं पे हुआ हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से करवाया हो। एक्सटीरियर मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है गाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा अटपटा सा या ओवर कराया हो, बिल्कुल सिंपल है। गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं आई है भाई, देख लो। अब बात करते हैं भाई पीछे से, पीछे से आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया हुआ हो, कुछ नहीं है। बस पीछे अपना बैक कैमरा मिलेगा आपको, वर्ल्डटेक कंपनी का HD में ये भाई ये अपना, और आराम से आपको मैं अंदर भी दिखा दूंगा अभी डिस्प्ले में कि कैसे वर्क करता है। बाकी एज इट इज़ सिंपल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको राइट साइड से दिखाई है। अब गाड़ी को चलते हैं अंदर, तो पहले भाई करते हैं गाड़ी को अनलॉक। गाड़ी को अनलॉक करते ही जब आप डोर पे आओगे तो डोर तो बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने भाई इंटीरियर नहीं करवाया, इंटीरियर पीच के साथ ही है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ है ना वो है इसके सीट कवर भाई, ऊपर से लेके नीचे तक देखो ये बर्फी पैटर्न के साथ हैं। और ये चीज़ देखो बिल्कुल स्पोर्टी कार में जैसे होता है ना, बिल्कुल वो चीज़ देखने को मिलेगी। आपकी जो मतलब पकड़ है गाड़ी पर जब आप बैठोगे तो आराम से कंफर्टेबल रहोगे, और आपको अगर लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है ना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट दे गई है। और यहाँ बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, आर्मरेस्ट की भी क्वालिटी वाइज नो डाउट वो बहुत बढ़िया है, और स्पेसिंग वाइज भी देख लो आप कितना इसमें अंडर तक है। ठीक है, और आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ इसकी फिनिशिंग, ये देख लो भाई बहुत बढ़िया सीट कवर है भाई। पीछे से भी देख लो, ये जो मैंने अभी सिस्टम लगवाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, वहाँ मेरे पीछे मेरी पेटी है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। बात करें तो भाई डोर पे, अब डोर में जो अपने ये लगे हुए स्पीकर भाई, ये लगे कंपोनेंट JBL हरमन सीरीज के, भैया कौन से हैं वो? GTO सीरीज। GTO एक बार मॉडल नंबर बता दोगे? एक बार पीछे रखा हुआ है, पीछे से दिखा देता हूँ मैं। तो भाई देख लो आप, ये है वो मॉडल नंबर, 270 वोट में है, और इधर करके दिखा देता हूँ आपको भाई, GTO 609C है। इसकी मैं आवाज़ भी सुनाऊंगा भाई, मतलब जिसे कहते हैं ना A1 चीज़ है भाई, ये बहुत धासु चीज़ है। बाकी फ़िलहाल आपको मैंने दिखा दिए कंपोनेंट, जो आगे डोरों में इसकी जगह होती है तो इसलिए आगे लग जाते हैं, पीछे इसमें डोर में नहीं आती, इसलिए मैंने पेटी रखवाई है पीछे। पीछे जो स्पीकर लगे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसके कंपोनेंट लगे हैं JBL के, उसके जो ट्यूटर की प्लेसमेंट है मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर करवा रखे, जब साइड ग्लास चेंज करवाऊंगा तो वो यहाँ पर लग जाएंगे ईजिली, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई जब अब गाड़ी के अंदर इंटीरियर में आ चुके हैं तो इंटीरियर वाइज यार नो डाउट मतलब सिंपल है, जैसे गाड़ी मारुति से आती है। अभी जो मैंने इसमें चेंज करवाया है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल अभी आप बात करेंगे ना डिस्प्ले पे तो आपको कुछ अलग अलग सा दिख रहा होगा भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब गाड़ी में बंदा कोई भी बैठेगा ना तो फैन हो जाएगा यार। अब बताओ भाई अपना राजेश जी, कितने इंची की स्क्रीन है भाई? ये 9 इंची की स्क्रीन है। कौन सी कंपनी का है? निपोन की है भाई। अपनी अपना जो इसमें मॉडल नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मॉडल नंबर है Android 9 Pro। ठीक है, आप ऑनलाइन चेक कर लेना रेट, और फिर उसके बाद यहाँ पर आना। राजेश जी का मैं नंबर भी दे दूंगा, फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। किसी भी चीज़ का रेट लेना है ना तो राजेश जी को फ़ोन कर लेना, इजीली आपको टैकल कर लेंगे। और भाई अपना टाइम निकाल के आना, मेरे को इस काम को कराने में भाई सुबह से लेके शाम हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले भाई अपना स्टीरियो के बारे में बता दो, मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ।
तो गाइस जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो ना तो यहाँ पर निपोन लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप अपना लोगो भी चेंज कर सकते हो, मतलब मारुति की गाड़ी है तो मारुति का लगा सकते हो। फिर एंड्रॉइड की आपको मिलेगा, मतलब कुछ टाइम तो लेता है, 10 सेकंड तो टाइम लेगा, 10 से 15 सेकंड ऑन होने होने में। इतने में आपको और कुछ दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर मैंने अपना लाइट लगाई हुई है, जो एलईडी लाइट होती है इसकी बहुत ज्यादा ब्राइटअप है भाई ये। और नीचे एम्बियंट लाइट लगाई हुई है, आप देख लो अभी थोड़ा रोशनी हो रही है इसलिए आपको थोड़ा कम जस्टिस हो पा रहा होगा। तो भाई अब ऐसे नीचे लाइट लगी है और ऊपर लगी है। ऊपर कुछ रूफ में मैंने कुछ काम नहीं कराया है, आप देख लो पीछे तक, ठीक है ना। मैंने वही काम कराया जो जरूरत की चीज है भाई और जो कंपलसरी बनती है। अभी आप देखो स्टीरियो का भाई क्या बढ़िया रिस्पांस निकल के आता है इसमें। जब आप गाड़ी चलाओगे तो 0 किलोमीटर पर आवर जो यहाँ दिख रहा है, जो आपके ओडीबी मीटर में दिखेगा ना वही यहाँ पर आपको सेम टू सेम दिखेगा। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लैग दिखेगी बट ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ आपको एनालॉग में और अपना न्यूमेरिकल में टाइम दिख जाएगा और यहाँ से आप अपने गाने चेंज कर सकते हो। नेविगेशन पे आप यहाँ से जा सकते हो, बिल्कुल एंड्रॉइड है भाई। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊँ, निपोन वो कंपनी है जो मारुति सुजुकी जो ब्रांड है ना वो इस कंपनी का यूज करती है। मारुति सुजुकी का एक तरीके से आप इसको ब्रांड ले सकते हो, जो निपोन कंपनी के जितने भी पार्ट्स हैं वो अपनी गाड़ियों में डाल के देती है, चाहे बैलनो हो गई, नेक्सा की गाड़ी हो गई या फिर स्विफ्ट हो गई। इन गाड़ियों में निपोन के सिस्टम्स भी लगते हैं और स्पीकर्स भी लगते हैं भाई। राजेश भाई यही लगती है, यही लगते है ना, ये चाइनीज आइटम नहीं है, ब्रांडेड आइटम, ब्रांडेड आइटम है भाई, बिल्कुल जेन्युइन। और यही तुम्हारे भाई ने लगवाई है। इसका जो रिस्पॉन्स है ना भाई A1 है यार। मैंने अभी तक इसको ज्यादा यूज नहीं किया है बट आगे जब मैं यूज करूंगा तो इसका बिल्कुल आपको जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल बताऊंगा। अभी ये जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, अभी ये खुल गया, अब यहाँ से आप ब्लूटूथ अपना कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें एक और चीज राजेश जी बता रहे थे आप, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं है, एंड्रॉइड ऑटो है इसके अंदर। तो अपना मिरर लिंक के साथ होता है ना ये, चलो भाई मिरर लिंक के साथ है। बाकी अपनी एप्स खोलनी है तो आप सारी एप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जैसे एंड्रॉइड ITS, APK इंस्टॉलर, ऑक्स, ब्लूटूथ और बाकी क्रोम कलर, भाई बहुत सारे फीचर्स हैं, सारे बनाते में आ गए। और सबसे अच्छी चीज मेरे को जो लगी, इक्वलाइजर, अपने हिसाब से आप अपनी वॉइस को सेट कर सकते हो, कितनी बेस चाहिए आपको, बार बार एम्प निकालने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें इसमें कर सकते हो। और जोन में आप जाओगे तो लाउड ऑन है, अपने हिसाब से इसको भी सेट कर लो आप, जिस हिसाब से भी आपको बेस चाहिए। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी, बहुत बढ़िया चीज लगी। और भाई इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राइट साइड में आप थोड़ा सा आओगे तो मैप्स, म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, प्ले स्टोर, आप इसमें और भी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो, चाहे कोई भी चीज हो अपना आराम से मूवी भी देख सकते हो। भाई ये चीज मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा अभी कुछ टाइम बाद, अगर मैं जिस दिन फ्री हुआ तो इसमें मैं मूवी तो जरूर देखूंगा भाई। 9 इंची स्क्रीन है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है और बहुत बढ़िया लगती है। और बाकी भाई यहीं में नीचे बात करूं तो यहीं से एंड्रॉइड के जैसे फोन्स खुलते हैं आप भी यूज करते होंगे, बिल्कुल एज इट इज ऐसी, जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इक्वलाइजर हो गया, यहां से आप सारे काम करवा सकते हो। तो ये फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब बाकी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जो गाना है मैं भी आपको चला के भी दिखा दूंगा जो आउटपुट निकल के आता है। अभी फिलहाल बात करें तो भाई यहाँ की, तो ये मैंने न्यू चेंज करवाया है, ये अपना कौन सा है, ग्लोसी ब्लैक है ना, ग्लोसी ब्लैक है। तो भाई ये ग्लोसी ब्लैक है पैनल, ये मैंने चेंज कराया है पूरा, जो अपना स्टॉक में आता है वो मैंने हटवा दिया और इसी की वजह से ये 9 इंची स्क्रीन इसमें इनबिल्ड हुई है। बाकी मैंने नीचे आपको लाइट वाइट दिखा दी है, अब चलते हैं भाई पीछे। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ पीछे क्या रखा है, बहुत धासु चीज रखी हुई है भाई। तो भाई जैसे आप पीछे यहाँ पर बैठोगे ना तो ये मत सोचना कि आपका सर अड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत गैप है। देखो मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये आपका अड़ेगा नहीं, आपका सर यहाँ तक रहेगा या फिर यहाँ तक रहेगा, यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो है पीछे भी एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, देख लो भाई मैंने रेड पे कर रखी फ्लोरिंग हुई है नीचे। हाँ, और नीचे फ्लोरिंग हुई है भाई, ये मैं बताना भूल गया था। और ये 5D मैट है जो मैंने इसमें डलवाए, देख लो भाई फ्लोरिंग हो रखी है, पूरी गाड़ी में फ्लोरिंग है। और अभी मैं पीछे से दिखा देता हूँ आपको, तो इसमें मैंने कर्टन्स भी डलवा रखे हैं गाइस, ये भूल गया था थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए यार, माइंड मत करना। तो भाई ये कर्टन्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये मेरी है JBL का बूफर, 1300 वोल्ट का, भाई देख लो, पढ़ लो आराम से, ठीक है ना, JBL का बूफर है 1300 वोल्ट का। और ये फोकल के भाई स्पीकर हैं 250 वोल्ट के। अभी तक का जो इसका रिस्पॉन्स है जो मैंने अभी सुना है तो A1 है भाई, नो डाउट यार, बहुत बढ़िया है। बस CNG गाड़ी में ना थोड़ा सा इशू ये आता है कि स्पेस थोड़ा कम मिलता है, दैट्स वाई भाई मैं पेटी पे गया। और पेटी भी मतलब देख लो आप आराम से, मैंने डिग्गी खोली है ना तो अपना पीछे का बूट खोला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, A1 रिस्पॉन्स है भाई। तो और बताओ भाई इसमें और क्या हुआ है, अगर मेरे से मिस हो रहा है तो भाई, और इसमें कुछ नहीं हुआ भाई, और हो सकती है, स्पॉइलर लग सकती है, रूफ रेल लग सकती है, रूफ रेल्स लग सकते हैं, मतलब और भी काम हो सकते हैं इसमें, बहुत सारे काम हो सकते हैं, प्रोबलेट लग जाएगी, DRL लग जाएगी, हेडलाइट में LED लग जाएगी, और हेडलाइट भी DRL लग जाएगी, ठीक है। तो भाई देखो मेरा जो पर्पस था मेन, राजेश भाई मेरा तो सिंपल रहने वाला काम है, तो भाई मैंने इंटीरियर पे ज़्यादा मतलब ध्यान दिया है। अगर इसके अलावा आपको और भी काम करना है तो आप कर सकते हो,
बाकी एड्रेस आप पढ़ लो भाई, श्री बालाजी कार के नाम से है, आप इजीली आ सकते हो। मैंने डैम्पिंग भी नहीं कराई है क्योंकि मुझे लगा यार मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं है, तो दैट्स वाई मैंने नहीं कराया। बाकी आप देख लो भाई साइड व्यू। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना भूल गया, अपना गियर लॉक। भाई गियर लॉक आप इधर से देख लो, स्टार्टिंग में आपने देखा था गियर लॉक की फिनिशिंग ऐसी है, ठीक है। सेंटर लॉक मैंने आपको दिखाई दिया रिमोट, बाकी इसमें नीचे लाइटर भी लगा है भाई, देख लो अपना चार्जिंग वार्जिंग के लिए। और इसका सिस्टम के जो है ना दो यूएसबी पोर्ट आपको यहाँ मिलेंगे, USB 1 और USB 2, ठीक है ना। आप यहीं से इजीली जो चार्जिंग भी कर सकते हो और अपना आराम से जो मिरर लिंक है इससे लिंक हो जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी यार नो डाउट गाड़ी में काम बहुत अच्छा है, आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं। सीट कवर देखो भाई बढ़िया लग रहे हैं भाई, ठीक है। एंड्रॉयड 9 प्रो का जो बॉक्स है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो मैंने अपनी गाड़ी में लगवाया। और ये मैंने अपनी केव कंपनी की इसमें वो डलवाई थी, अपना जो पूरी की पूरी वो होती है वायरिंग होती है वो सारी की सारी केव कंपनी की डलवाई है। आपके पास फ्यूजन भी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, बट मुझे जो मिला मैंने लगवा लिया। अंडर सीट भाई मैंने एम्पलीफायर भी लगवाया, वो और दिखा देता हूँ आपको, देख लो भाई ये 4 चैनल है जो इस सीट के नीचे लगवाया मैंने। ड्राइवर सीट के नीचे लगवाने का मेन पर्पस ये था, उस सीट के नीचे जो ना फायर एक्सटेंशन आता है, तो दैट्स वाई भाई मैंने इधर लगवाया है। और बाकी मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको, देख लो भाई एम्पलीफायर दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, V18 करके, ठीक है। और बाकी इसकी जो आवाज़ है सिस्टम की वो मैं अभी आपको सुना देता हूँ, जिससे आपको भी एक आइडिया लग जाएगा। तो गाइज ये है अभी नेक्स्ट डे, और भाई मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाया था, जो इसकी अपना वॉइस क्वालिटी होती है, तो मैं अभी आपको आपके लिए डाल देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल अगर हम इसको ऑन करते हैं, और ब्लूटूथ भी आपका साइन दिख रहा होगा यहाँ पर, देख लो भाई। तो इसमें जो फ़ोन में देखने को मिलता है एंड्रॉयड 9 प्रो करके आता है, ठीक है। इसका जो नेम है यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल नंबर एंड्रॉयड 9 प्रो, तो भाई ये कनेक्ट हो चुका है, आप देख लो एक्टिव। तो गाइज अब इसमें मैं एक गाना चला देता हूँ अपना वही, तो गाइज गाना मैंने चला दिया है यहाँ पर, ठीक है, NCS का। और भाई यहाँ पर हमें ब्लूटूथ में जाना होता है और फिर उसके बाद ये ऑडियो में जाना होता है, आप इसको इजीली मिनिमाइज भी कर सकते हो यहाँ से। तो गाइज आ चुके हैं अब शॉप के अंदर, आपने काम देख लिया होगा, जो भी अपनी गाड़ी का काम हुआ है। भाई राजेश जी हमारे साथ हैं और इनके जो डैडी हैं श्री राम जी, वो भी अभी थोड़ा बाहर जा रखे हैं, वो भी मिलते वरना वीडियो के स्टार्टिंग में। अभी फिलहाल अभी आप देख लो एंड्रॉयड 9 प्रो जो सिस्टम है, एक बार आप इसे खोल के दिखा दो एक, थोड़ा भाई साहब इनको भी आइडिया लग जाएगा कोई भी बंदा अगर आ रहा है। भाई बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब पैना साउंड हो गया। अगर इनके पास और भी ऑप्शन की बात करूँ ना, जैसे डी बेस है, ये रहा डी बेस के भी आप लगवा सकते हो, ये भी 9 इंची में ही है। इसमें तो प्राइसिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ना, नीचे 9,500, ये 9,500 रुपए का है। बाकी प्राइस भी मैं इनके साथ अभी आपको डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये देख लो भाई ये एम्पलीफायर लगा है मेरा वर्ल्ड टेक का, जो मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सिस्टम दिखा देता हूँ, यही निपोन का जो है एंड्रॉयड 9 प्रो, आपने पढ़ लिया होगा मॉडल नंबर। और बाकी आप देख लो पीछे से इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखा देता हूँ, निपोन लिखा हुआ मिलेगा आपको, जेन्युइन चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया ब्रांड लगा मेरे को ये, बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसके अंदर जो आपको देखने को मिलता है भाई, ये देखने को मिलते हैं इसके सारे के सारे, कैमरा वैमरा सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, और माइक भी इसमें इनबिल्ड है, आपको अलग से लगाना चाहो तो अलग से लगा सकते हो, बाकी आप इसी में से ही अब बात कर सकते हो। अब बात करें इसके JBL के कॉम्पोनेंट की, कॉम्पोनेंट भाई बहुत बढ़िया कॉम्पोनेंट है, ठीक है। और उसका जो क्रॉस ओवर है ना वो भी बहुत हैवी है, ठीक है। और बाकी गाड़ी के अंदर तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, बाकी अभी यहाँ दिखा देता हूँ आपको। बाकी फिलहाल अगर आप और भी कंपोनेंट लेना चाहते हो, जैसे ब्लू पंक्ट हो गया, यहाँ पर देख लो आप भाई, बेस प्रो है, ये बहुत सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, आप इजीली आ सकते हो और लगवा सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको क्रेटा के जो हॉर्न है उसी के जैसे सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे, ऑटो हॉर्न के नाम से है। बाकी भाई ये देख लो आप, पीछे तक सारा सामान आपको देखने को मिलेगा, अगर इनकेस इनके पास नहीं भी है मतलब अरेंज करा देते हो ना, ठीक है। बाकी आपको मैं कॉम्पोनेंट की दिखा देता हूँ भाई, आगे से आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये देख लो भाई GTO यहाँ देखने को मिलेगा, और JBL ये रहा, और
इसको ओपन कर दो ना एक बार, एक बार मैं अंदर से दिखा देता हूँ। तो गाइस देख लो, आपके लिए ओपन करा दिया। इसकी फिनिशिंग देखो यार, पैनल की सामने की कितनी प्यारी लगती है भाई। और भाई ये है अपना कंपोनेंट, इसकी मैग्नेट दिखाता हूँ पीछे से आपको। देखो मॉडल नंबर आप पढ़ लो, GT0609C ये मॉडल नंबर है, और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी रीड आउट कर लो। तो ऐसा कंपोनेंट देखने को मिलता है, और बाकी ये सारा काम मैंने जो कराया राजेश जी के यहाँ पर कराया। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी इनसे पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इनसे आप इजीली पूछ सकते हो। और कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी गाड़ी हो, आप कोरियर कर देते हो? हाँ जी, कोरियर भी हो जाएगा। आप आओगे तो एक दिन पहले बता के आना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो भाई एक दिन पहले आके बता देना, जिससे कि आपकी अपॉइंटमेंट रख लें और आपकी गाड़ी का काम इजीली हो जाए। जहाँ पर आपका सुबह से शाम तक टाइम लग रहा है, वहाँ सुबह से दोपहर तक में आपका काम हो जाएगा। तो बस गाइस यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।